जी मैं एक्सपेक्टेड टाइम मेरी मेरी राय में तो जो है वो आज होना चाहिए, लेकिन मैं गवर्नर साहब को डायरेक्शन नहीं दे सकता। क्या चल रहे हैं जरदारी साहब और चोरी शुजात साहब के दरमियान? किस बात का? नहीं, उसे थोड़ा सा अपनी जो है ना वो इंग्लिश दुरुस्त करनी चाहिए। मैंने ये कहा था कि द चीफ मिनिस्टर विल सीज टू बी द पोजीशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। मैंने सील करने की बात नहीं की थी, और वज़ीर आला हाउस को सील करने की तो कोई जवाब नहीं बनता। रابطے कैसे चल रहे हैं जरदारी साहब के, चोरी शुजात साहब के, शहबाज शरीफ साहब के? कुछ जोर तोर जारी है? नहीं, सबका आपस में रابطہ है, लेकिन इस सिलसिले में जो है वो जो आईनी पोजीशन है उसके ऊपर सब का इत्तेफाक। यानी आप परवेज लाई साहब पीडीएम के उम्मीदवार नहीं हो सकते, ये क्लियर हो चुका जी? अब उनके खिलाफ क्योंकि अदम एतमाद, उनके खिलाफ क्योंकि क्योंकि वो एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सके, ही इज नो मोर द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, तो इसलिए वो पीडीएम के उम्मीदवार कैसे हो सकते? बहरान बढ़ता जा रहा है, हालात खराब होते चले जा रहे हैं। कोई सियासी बहरान नहीं है, इंशाल्लाह ताला जैसे ही जो है ये नोटिफिकेशन होता है तो उसके बाद न्यू चीफ मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट होंगे। आने वाले दिन इमरान खान के लिए सख्त हो रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है? क्या बहरहाल उनके जो अमाल हैं और जिस तरह से वो एक्सपोज हो रहे हैं तो उसमें तो ये कहा जा सकता है, समझा जा सकता है कि उनके लिए कोई अच्छा वक्त आने वाला नहीं। तारीख के इम्कान, ये सारे इम्कान जो है वो मौजूद हैं। थैंक यू।